I am Avinash Gupta. I teach English at a CPNG school park. And what I am going to tell you is about class 3. It happened last year. It is about a story reading. Actually, I want to say that reading needs opportunities, more opportunities. We want to learn reading. Reading अगर हम सीखना चाहते हैं तो I think उसकी जो opportunities हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए. और ये जो बात है ये हर किसी पे अप्लाई होती है, चाहे वो बच्चे हैं या फिर वो adults हैं, सभी पे ये अप्लाई होती है. अगर हम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, सो दैट वी कैन लर्न दैट. तो जो कुछ मैं बता रहा हूँ क्लास 3 के बारे में है और ये स्टोरी है. तो मैं चाहता था कि बच्चों को रीडिंग पे मैंने फोकस किया कि बच्चे कुछ रीड कर सकें, कुछ वर्ड्स को, कुछ सेंटेंसेस को रीड कर सकें, मीनिंगफुली रीड कर सकें, जो कुछ वो पढ़ें उसको वो अंडरस्टैंड भी कर सकें. तो सबसे पहले मैंने उस स्टोरी को उनको हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इंटरेस्टिंग तरीके से उनको एक्सप्लेन किया उस स्टोरी को. एक्सप्लेन करने के बाद मैंने उस टेक्स्ट को जो कि उस बुक में था उस टेक्स्ट को मैंने 3 या 4 बार या 5 बार मैंने उस टेक्स्ट को बहुत ही लाउड वॉइस में उनके सामने पढ़ा, जिससे कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके. वो जो वर्ड्स या जो सेंटेंसेस हम पढ़ने वाले हैं उस टेक्स्ट में, वो उनसे कम से कम लिसनिंग के थ्रू उन वर्ड्स और सेंटेंसेस से थोड़े से फैमिलियर हो सके, ये मैंने कोशिश की. उसके बाद मैंने हर बच्चे को कहा कि नाउ आई विल रीड दिस टेक्स्ट एंड यू विल फॉलो मी इन योर टेक्स्ट बुक. मैंने उसे कहा कि अब मैं इसको पढ़ूंगा और आप सब मुझे फॉलो करेंगे, सो पुट योर फिंगर ऑन द टेक्स्ट, पुट योर फिंगर ऑन द वर्ड चाहे कोई टू बी. उसके बाद मैंने उनको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया उस स्टोरी में से, 4 या 5 लाइन का रहा होगा वो पैराग्राफ. उस पैराग्राफ को मैंने पढ़ा, उसमें जो कीवर्ड्स थे उन कीवर्ड्स को मैंने थोड़ा सा उनको एम्फसाइज किया, उन कीवर्ड्स को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ा, जिससे कि बच्चे कीवर्ड्स से थोड़ा सा फैमिलियर हो सके. उनका मीनिंग भी मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, उसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, कौन कौन से लेटर्स उस वर्ड में हैं, वो लेटर्स भी मैंने उनको इंट्रोड्यूस किए. तो जैसे कि हम जानते हैं कि भाई देर आर सम लेवल्स इन ए क्लास, कुछ बच्चे जीनियस कैटेगरी में आते हैं, कुछ एवरेज में आते हैं और कुछ बिलो एवरेज आते हैं. तो कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने कि मैंने 1 या 2 बार उनको बताया और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उस बात को समझा और उस पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया, उसको एक्सप्लेन भी किया. उसमें जो अल्फ़ाबेट्स थे वर्ड्स में या उन सेंटेंसेस में, उन अल्फ़ाबेट्स को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया और मुझे बताया. लेकिन अब जो मेन चैलेंज था वो ये था कि जो बच्चे एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं वो मेरी बात को कहाँ तक समझते हैं या मैं उनको कहाँ तक अपनी बात समझा पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज था. तो मैंने 2 या 3 लड़कियाँ जिसके बारे में मैं ये कहता था कि भाई, या मुझे ऐसा लगता था कि ये बच्चियाँ भी अल्फ़ाबेट्स को भी बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करती हैं, सो हाउ कैन दे रीड. सो मैंने उन्हीं को फोकस किया. मैंने उन बच्चों को सबसे पहले उस टेक्स्ट को एक बार पढ़ के उनके सामने, उनको अपने पास बैठा के उस टेक्स्ट को उनके सामने पढ़ा, उंगली रख के पढ़वाया और फिर उससे कहा कि अब आप एक बार कोशिश करो उसको पढ़ने की. तो उन्होंने 1 बार 2 बार उस टेक्स्ट को पढ़ने का ट्राई किया. जब भी उनको उस पढ़ते वक्त जो भी कोई प्रॉब्लम्स उनको आती थी, जैसे कोई टिपिकल वर्ड आ गया, कोई थोड़ा लेंथी वर्ड आ गया, उस लेंथी वर्ड को मैंने उन्हें बताया, उसमें जो अल्फ़ाबेट्स थे जो लेटर्स थे वो उनको बताए. तो इसके बाद 2 या 3 दिन या 4 दिन की प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे वो जो बच्चियाँ थीं वो उस फ्लो को, उस फ्लुएंसी को पकड़ने की उन्होंने शुरुआत कर दी. जिस फ्लो में हमें वो टेक्स्ट पढ़ना है, जिस फ्लो में हमें वो पैराग्राफ पढ़ना है, उस फ्लो को उन्होंने कैच करने का करना शुरू कर दिया. तो आई कांट बिलीव, मेरे लिए जैसे एक मिरेकल की तरह ही था. तो उन बच्चियों में जिनको मैं, मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद लेटर्स को भी ठीक से आइडेंटिफाई नहीं करती,
उन्होंने उन वर्ड्स को उन सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ईजीली उन्होंने पढ़ा। अच्छा एक और डाउट इसमें ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने 4 या 5 बार उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा है तो इन बच्चियों ने कहीं या इन सारे इस क्लास के सारे ही बच्चों ने कहीं उन वर्ड्स को क्रैम तो नहीं कर लिया? ऐसा तो नहीं कि उन्होंने क्रैम कर लिया हो और क्रैम करके ही वो सारा कुछ मेरे सामने बोल देते हो? मुझे ऐसा लगता हो कि ये बच्चे अब पढ़ लेते हैं इन 4 या 5 लाइन्स को नहीं ये पढ़ लेते हैं। तो उस इस डाउट को रिमूव करने के लिए मैंने बीच बीच में जो वर्ड्स थे वो वर्ड्स उनके सामने रखे, उनसे कहा कि भाई मुझे बताओ कि इसमें ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, शेफर्ड कहाँ लिखा हुआ है, या शीप कहाँ लिखा हुआ है, या क्लाउड कहाँ लिखा हुआ है, वट एवर वट वॉज देयर इन द पैराग्राफ। जो कुछ भी उस पैराग्राफ में था, जो भी वर्ड्स थे, वो मैंने उनके सामने रखे कि मुझे ये वर्ड्स आप बताओ कहाँ कहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, और साथ साथ मुझे आपको वो लेटर्स भी बताने हैं। अगर आपने मुझे शेफर्ड बता दिया तो आपको ये भी बताना है कि शेफर्ड में कौन कौन से लेटर्स हैं, कौन कौन से अल्फाबेट्स उसमें। तो बच्चों ने बहुत ही एंथुजियास्टिक तरीके से वो सारी चीज़ें मुझे बताई, तो मुझे भी एक बार मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि एकदम से क्या हुआ कि 3 या 4 दिन के अंदर अंदर बच्चे अल्फ़ाबेट्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, और 100% तो नहीं लेकिन कुछ वर्ड्स को का वो मीनिंग भी एक्सप्लेन कर रहे थे। मैंने पूछा शेफर्ड क्या होता है, मैंने पूछा शीप क्या होता है, मैंने पूछा क्लाउड क्या होता है, तो वो वर्ड्स भी उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किए कि सर शेफर्ड क्या होता है, या इसका मीनिंग क्या है, या उसका मीनिंग क्या है। फिर मैंने उनसे होल पैराग्राफ, जो 4 या 5 लाइन के जो पैराग्राफ था, उस होल पैराग्राफ को मैंने उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा सर आप जैसे करते हैं वैसे तो हम नहीं कर सकते। मैंने कहा नो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वैसे ही करना है जैसे मैं करता हूँ एक्सप्लेन, आप जैसे भी कर सकते हैं, कुछ गलत होगा कुछ सही होगा, आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे एक्सप्लेन करें, और ये भी कंपलसरी नहीं है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश, यू कैन एक्सप्लेन दिस इन हिंदी ऑल्सो। तो उन्होंने उसको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में कुछ इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हुए छोटे छोटे वर्ड्स बीच बीच उन्होंने उसमें रखे अपने उस एक्सप्लेनेशन में, वो इस तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया। तो उस 4 या 5 लाइन के उस पैराग्राफ को लास्ट में मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये बच्चे इस पैराग्राफ को समझते हैं, इस समझने का मतलब उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका मीनिंग वो बता सकते हैं, तो उन्होंने जो पढ़ा उसका मीनिंग ये है, जो वर्ड्स उन्होंने पढ़े हैं उसमें वो अल्फ़ाबेट्स को बता सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स हमने इन वर्ड्स में पढ़े। इसके अलावा मैंने के लिए वो वर्ड्स लगातार उनके दिमाग में रहें, लगातार उनके दिमाग में घूमते रहें, इसके लिए चार्ट पे वो सारे वर्ड्स जो कीवर्ड्स थे उस पैराग्राफ में वो लिखे, ब्लैक बोर्ड पे भी उन वर्ड्स को लिखा, उन बच्चों से कहा कि आपने सारे वर्ड्स को कॉपी करो, और कॉपी करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड स्मॉल है और सॉरी कौन सा लेटर स्मॉल है और कौन सा लेटर कैपिटल है, क्योंकि उनके पास वो 4 लाइन वाली इंग्लिश की नोटबुक थी, तो 4 लाइन में एक पैटर्न होता है लिखने का, कि कुछ जो लेटर्स हैं वो हमें पूरी 3 लाइन्स ऊपर अपर 3 लाइन्स में लिखने पड़ते हैं, कुछ लोअर 3 लाइन्स में लिखने पड़ते हैं, कुछ बीच वाली जो मिडिल की 2 लाइन्स हैं उनमें लिखने पड़ते हैं। तो मैंने उसको ये भी कहा कि आपको ये भी याद रखना है कि आप कोई भी लेटर जब लिखेंगे अपनी 4 लाइन की नोटबुक में तो कैसे लिखेंगे, कौन सा लेटर आपको कैपिटल लिखना है, कौन सा स्मॉल लिखना है, और उसे किस तरीके से लिखना है। तो आई थिंक जो रिज़ल्ट निकल के आया वो यही था, काफ़ी मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था कि मुझे लगा कि हाँ मैंने जो एक पैराग्राफ की मेहनत की है वो एक पार्शियली सक्सेसफुल। थैंक यू।